किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की पूरे घर को अपने सर पर उठा सकती है। मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या किसी ने उसे नाराज किया है? दादी अब सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हें अपना बर्गर छोड़ना होगा भाई। ओ नहीं, मेरी छोटी बहन रो रही है। हमें जल्दी जाने और उसकी मदद करने की जरूरत है। और शेफ को अपना सारा काम छोड़ना होगा। क्या मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए सुना है? बेचारी बच्ची, हमें ये जांचना होगा कि क्या हुआ है। भाई एंडी, दादी केट और शेफ मिया बच्ची को खिलाने के लिए एक साथ आएंगे। आप बरादा देखते हैं और हम खाना पकाने की चुनौती शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। ये स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है, वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही, मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह मिया, नुसरत गोकसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है।
मुझे ये नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ कितना सुंदर, अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है, मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओ यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है, एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। आह सब कुछ सही निकला, मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी, देखो बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है, कट और ट्विस्ट। आह कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है, मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा, मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा, और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक सुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज, और दादी क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह इतनी चीनी, हाँ इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्चे को और प्रभावित किया। ओह लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है, मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, यह अजीब दिखता है लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो, व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह मैं जानता था। ओह कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रुशन चाहिए। वाह फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रुशन खाना पसंद करते हैं। ओ दादी क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें अवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ मैं भी वो कर सकता हूँ, फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती, इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मियाँ ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है, और क्रोशन के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपने डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट, यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी देखो तुम्हारे क्रोशन जल रहे हैं। एंडी ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डेसी जला ली। जी हाँ चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ यह पक गए हैं, अभी बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है, दादी के क्रोशेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए यह बहुत ही अच्छा है, यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद, पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे इधर ध्यान दो, मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा, मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी। आसान, मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा, और क्रीम, और एक और केक, और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी।
यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो। और यह चमकीली कैंडी, लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह ये सुंदर दिख रहा है। वाह मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी यह पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। आह बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। ओ जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? ओके। और इसके साथ क्या करना है, यह आसान है। देखो हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है, मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ।
ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। ये मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स, मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गर्म करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओ एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ, पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक चीज, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह, कैचर, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूं। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो, उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा, देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है, सब अंदर चला गया। तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डोब मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डोब को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे एक कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स, उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबर जैसा है।
मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा, मेरा मुंह जल रहा है। फ्यो, कितना फनी, मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या, मैं जीत गया? ये क्या, आपको चुनौती पसंद आई? फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बारादा पर ऐसी बहुत सारी मजेदार और दिलचस्प चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।